नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंकर सामग्री। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमवार व्रत उद्यापन विधि एवं पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रौली, मौली धागा, अच्छत के लिए चावल, सुपारी छोटी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, फूलों की माला, कुछ छुट्टा फूल, पान के पत्ते, सफेद चंदन, श्रीफल जलदार नारियल, बेलपत्र, कपूर, जनेऊ, अष्टगंध की डिब्बी, गाय का कच्चा दूध, ऋतुफल, सेव, किला अनार, या आप कोई भी फल ले सकते हैं। कलश, कलश दोस्तों आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। जल से भरा हुआ लोटा, गंगा जल, जल पात्र, माता पार्वती के लिए चुनरी, हवन सामग्री, आप दोस्तों मार्केट से हवन सामग्री का पैकेट भी ले सकते हैं। हमने देसी घी का डब्बा, हवन कुंड, पंचामृत बनाने के लिए दोस्तों दही, गाय का कच्चा दूध, शक्कर या आप मिश्री भी ले सकते हैं, शहद, देसी घी, प्रसाद के लिए लाचीदाना, बतासा या आप मिष्ठान भी ले सकते हैं, माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, घंटी, दक्षिणा यथाशक्ति श्रद्धानुसार, सोमवार व्रत उद्यापन विधि। दोस्तों, सोमवार व्रत उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निमृत हो जाए दोस्तों। इसके बाद आराधना हेतु चार द्वारों का मंडप तैयार करें। इसके बाद में वेदी बनाकर देवताओं का आवाहन करें और उसके बाद कलश स्थापना करें दोस्तों। इसके बाद उसमें पानी से भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव जी को वहाँ स्थापित करें दोस्तों। गंध, पूस, धूप, अगरबत्ती, माला, फूल, मिष्ठान, दक्षिणा आदि अर्पित करें दोस्तों। इसके बाद आप शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं दोस्तों और हवन प्रारंभ करें दोस्तों। हवन की समाप्ति पर दोस्तों दक्षिणा और भूषण देकर आचार्य को गौ का दान दें और बाद में उन्हें भोजन कराकर पूजा की सभी सामग्री भी दोस्तों उन्हें दें और फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।